हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम रिव्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वार्ट्ज रूममीटर के बारे में। क्वार्ट्ज रूममीटर जो रहते हैं बहुत ही बेस्ट रहते हैं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट अफोर्डेबल भी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम करता है। यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा होगा कौन सा क्वार्ट्ज हीटर आप लें, तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपकी मैं हेल्प करूँगा क्वार्ट्ज रूम हीटर सेलेक्ट करने में। अभी मैं आपको क्वार्ट्ज रूम हीटर के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे क्वार्ट्ज हीटर जो रहते हैं बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। बेसिकली ये क्या रहता है, ये 400 वाट से लेके 800 वाट या 1200 वाट तक जाता है, जिसके हेल्प से मतलब अगर कंपेयर करेंगे दूसरे किसी रूम हीटर से तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल भी रहता है, बहुत चीप आता है मार्केट में, आपको अराउंड 1000 रुपीज से लेके 2000 के बीच में आपको मिलेगा, 1000 से भी कम में भी आपको ये मिलने के चांसेस रहते हैं। ये जो क्वार्ट्ज हीटर रहते हैं ये स्टडी हीट आपको मिलेगा इससे, बहुत ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। होता क्या है, क्वार्ट्ज रूम हीटर जो भी रहते हैं ये रूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है एंड सरफेस रहता है ये उनको गर्म करता है, जिसके हेल्प से आपका पूरा कमरा गर्म आपको लगेगा। ये क्वार्ट्ज हीटर इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब जो अपना सन से जैसा मिलता है, ऑब्जेक्ट्स को हीट करता है सन, उससे हम लोग को गर्मी लगता है, तो सेम उसी प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। अगर आपको डिफरेंट रूम हीटर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने उसके एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से सारे रूम हीटर काम करते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे वो वीडियो आ रहा होगा। बाकी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ट 5 क्वार्ट्ज हीटर इन इंडिया। जो भी क्वार्ट्ज हीटर के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी क्वार्ट्ज हीटर पसंद आता है, आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो वहां जाके आप उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 5th नंबर पर जो क्वार्ट्ज हीटर है वो सिंगर क्वार्ट्ज हीटर। सिंगर की तरफ से अच्छा खासा क्वार्ट्ज हीटर निकाला है। इसमें हम लोग इसके पावर की बात करें तो इसमें आपको 800 वाट का पावर देखने को मिलेगा, जो कि दो ट्यूब में डिवाइडेड रहेगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रहेगा, स्टाइलिश हीटर रहेगा। अगर रूम में इसको रख रहे हैं तो आपको अच्छा खासा लुक भी मिलेगा इससे। डुअल हीट सेटिंग्स हैं, जिसमें आपको दो रॉड्स मिलेंगे, दोनों रॉड्स जो रहेंगे 400-400 वाट के रहेंगे। तो अगर टोटल आप दोनों को चालू कर रहे हैं एक साथ तो वो आपका 800 वाट कंज्यूम करेगा, सिंगल चलाना चाह रहे तो आपका 400 वाट कंज्यूम करेगा। ऑटो ऑफ का फंक्शन दिया गया है, जिसमें एक टिप ओवर स्विच है। अगर बाई चांस ये जो आपका रूम हीटर है लेफ्ट साइड गिर जाए या राइट साइड गिर जाए या सामने या पीछे किसी भी डायरेक्शन में अगर गिरता है, तो वो जो टिप ऑफ स्विच है ये आपका चालू हो जाएगा, जिससे आपका जो रूम हीटर है ये बंद हो जाएगा। बहुत ही इजी टू कैरी है, बहुत लाइट वेट भी है, अच्छा खासा लुक के साथ भी आपको मिलेगा। 4th नंबर पे जो क्वार्ट्ज रूम हीटर है ये है महाराजा की तरफ से वाइट लाइन लावा नियो। ये जो रूम हीटर है इसमें आपको 1200 वाट्स का पावर देखने को मिलेगा, मतलब टोटल आपको 1200 वाट्स का इसमें टोटल पावर देखने को मिलेगा। कन्वीनियंट है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, शॉक प्रूफ रहेगा, ABS प्लास्टिक से बॉडी बनी हुई है, 180 डिग्री है इसका पूरा रोटेशन रहेगा, मतलब अगर एक कॉर्नर पर रख रहे हैं तो बार बार रोटेट करते करते आप इसको इजिली यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें टोटल में आपको 3 हीट सेटिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि 3 रॉड्स रहेंगे इसमें, तीनों 400-400 वाट के उसमें डिवाइडेड रहेगा पावर। अगर तीनों को यूज़ कर रहे हैं तो 1200 वाट यूज़ होगा, दो यूज़ कर रहे हैं तो 800 एंड सिंगल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 400 वाट यूज़ होगा। इसमें भी सेफ्टी के लिए आपको टिप ओवर स्विच दिया गया है, जो कि अगर कहीं से किसी भी डायरेक्शन में गिरता है तो वो अपने से बंद हो जाएगा। बॉडी जो इसकी रहेगी शॉक प्रूफ के साथ साथ ये कूलटेस्ट बॉडी रहेगा, इसको आप इजिली पिक भी कर सकते हैं। अगर ये चल रहा है, अगर आप इसको कहीं और रखना चाह रहे हैं तो इसको आप इजिली पिक करके रख सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा इसको चालू कर ऑन रहेगा तब इसको पिक ना करें, बंद करके ही पावर स्विच को बंद करके ही इसको उठा के कहीं दूसरे जगह रखें। 3rd नंबर पे जो क्वार्ट्ज हीटर है वो हैवेल्स का स्कोजियो। हैवेल्स स्कोजियो जो क्वार्ट्ज हीटर है इसमें आपको टोटल में 800 वाट्स का पावर देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक फ्रंट में ग्रिल मिलेगा जो सेफ्टी के लिए रहेगा, ये आपका रस्ट फ्री रहेगा, पाउडर कोटेड इसमें आपका जो ग्रिल है पाउडर कोटेड रहेगा, तो इसमें आपको बिल्कुल भी रस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 हीट सेटिंग्स इसमें भी दिया गया है, जो 400-400 वाट में डिवाइडेड रहेगा दोनों ट्यूब्स, जो दोनों क्वार्ट्ज ट्यूब है उसमें आपको सिंगल यूज़ करना है सिंगल भी कर सकते हैं, डबल करना है डबल भी कर सकते हैं। सेफ्टी टिप ओवर स्विच इसमें भी दिया गया है, साथ ही साथ इसको अगर आपको पिक करके कहीं रखना है तो इसमें एक स्पेसिफिक कैरी हैंडल दिया गया है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी रहेगा तो इसको आपको इजिली पिक करके इधर उधर रख सकते हैं। 2nd नंबर पे जो क्वार्ट्ज हीटर है ये है उषा के तरफ से 3002 मॉडल क्वार्ट्ज हीटर। ये जो उषा का क्वार्ट्ज हीटर है इसमें भी आपको 800 वाट्स का पावर देखने को मिलेगा। ये जो क्वार्ट्ज का हीटर है ये अमेजोन का बेस्ट सेलर हीटर है, तो मतलब समझ सकते हैं अच्छा खासा इसमें आपको फंक्शन मिलेगा। पाउडर कोटेड फिनिश दिया गया है जो कि कोरोजन फ्री रहेगा, ग्रिल भी आपको अच्छा खासा इसमें देखने को मिलेगा।
टू हीट सेटिंग्स इसमें भी दिए गए हैं, जो कि 400-400 वॉट की ट्यूब्स रहेंगी, कॉर्ड्स की ट्यूब, जो दोनों को आप चालू करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेफ्टी कट ऑफ फीचर दिया गया है, साथ ही साथ टिप ओवर का इसमें स्विच भी दिया गया है, फ्रंट में ग्रिल भी दिया गया है सेफ्टी के लिए। ओवरहीटिंग का भी इसमें प्रोडक्शन दिया गया, अगर बाई चांस आपका रूम हीटर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाएगा, जिससे जो रूम हीटर है इसको डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट नंबर वन पे आता है बजाज की तरफ से न्यू मैजेस्टी RX3 मॉडल रूम हीटर। ये जो कॉर्ड्स का रूम हीटर है बजाज का, इसमें आपको 1200 वॉट्स का पावर देखने को मिलेगा। ये आपका पाउडर कोटेड भी रहेगा, साथ में जो इसमें फ्रंट में ग्रिल दिया गया है ये आपका रस्ट प्रूफ रहेगा। 3 हीट सेटिंग्स के साथ आता है, 400 वॉट, 800 वॉट एंड आपका 1200 वॉट तक ये जाएगा, तो टोटल में इसमें आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेगी। इसमें आपको सेफ्टी के लिए थर्मल फ्यूज दिया गया है, साथ साथ टिप ओवर स्विच भी दिया गया है, जो कि कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अगर ये गिर जाता है तो अपने से रूम हीटर को बंद कर देगा। बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बॉडी भी है इसका एंड साथ साथ पोर्टेबल भी है, तो इसको आप इजिली भी कहीं कैरी करके इधर उधर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे बेस्ट 5 लिस्ट क्वार्ट्ज रूम हीटर के बारे में। ये जो भी लिस्ट मैंने क्रिएट किया था ये मेरे रिकमेंडेशन रहेंगे आपके लिए, अगर आपकी इसमें से हेल्प हुई रहती है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा अगर इन पांचों में से अगर आपने कोई सा रूम हीटर सेलेक्ट किया है, या अगर आपके पास इन पांचों में से पहले से कोई रूम हीटर आपके पास पड़ा हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आगे वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ आप उसको मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।